Yes. Today's topic is resistance color code. Ready hoga aapka beta? Resistance color code. क्या आप में से किसी ने रेसिस्टेंस देखे हैं? किसी ने भी? यस सर। किसे देखे हैं? नाम? सर सूर्यांश। गुड। समझिए ये क्या होता है बच्चों। इन रेजिस्टेंस की एक खास क्वालिटी ये होती है कि इसमें एक ऐसा पतला सा तार होता है, वायर, बस सिंपल वायर। और इस वायर में ये ऐसा इतना मोटा मोटा, उसमें ऐसे मान लो जैसे कि जो चीनी की मिर्ची होती है ना, चीनी मिर्ची होती है चाइना के लिए, बस ये उसके ऊपर लगा होता है। ये शेप होता है रेसिस्टेंस रेसिस्टर का। अब इसकी विशेषता भी है, वो इसकी कमी भी है। चाहे वो 1 ओम का हो, चाहे वो 1 लाख ओम का हो, चाहे वो 1 करोड़ ओम का हो, सबका शेप एक ही होता है, इतनी बड़ा होता है। यानी कि आप शक्ल देख करके नहीं बता सकते कि ये रेसिस्टेंस कितने वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, नहीं बता सकते आप। बड़ी समस्या है इसमें। ठीक, क्योंकि सभी एक से ही होते हैं, उनका शेप सबका एक सा होता है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, इसको एक कोडिंग किया जाता है। इसमें कुछ कलर्स होते हैं, और इनके ऊपर हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ये कलर्स हैं, ये इनकी वैल्यू है, और जो फिक्स है कभी बदलती नहीं है। अब इसमें एक कंफ्यूजन भी है, इसमें 3 बी है और इसमें 2 जी भी है। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट कलर जो है ये होता है ब्लैक, और दिस कलर इज ब्राउन, और ये होता है ब्लू। ये जो जी जो दिया हुआ है, ये जी होता है ग्रीन, और ये जो जी होता है वो ग्रीन ग्रीन। ये कलर। अब इसमें क्या होता है कि इसको कैसे पहचानेंगे? ये 1 मास में 2 मास में क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए ध्यान से इसको, क्योंकि मैं पहली बार जो है इसको ऑनलाइन पा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी क्या है इसको सामने दिखा दिखा के पाते हैं तो अच्छा लगता है, सही समझ में आता है। खैर, ये देखिए, इसमें ये मान लो कि एक पतला सा वायर है, उस वायर में बीच में ऐसे कुछ, मान लो आपने चीनी मिट्टी लगा रखी है, ऐसा मान लो उसके ऊपर रिंग बनी होती है कलर्स की, और ये इसमें 4 कलर्स होते हैं। वैसा ध्यान देना,
फोर कलर्स, यानी कि फोर रिंग होती हैं, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग और फोर्थ रिंग। अब इसको क्या होता है कि इसमें जो लास्ट वाली रिंग होती है, ये रिंग, पहले यहीं से शुरू करते हैं, फर्स्ट रिंग, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो पहली जो रिंग होती है वो फर्स्ट कलर को बताती है, यानी कि वो फर्स्ट वैल्यू बताती है। मान लो मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ये वाली जो फर्स्ट रिंग है वो ऑरेंज है, ऑरेंज, ऑरेंज कहां पर है, ऑरेंज ओ, तो ये कितना हो गया आपको, थ्री। मान लो सेकेंड रिंग जो है वो येलो है, तो येलो कहां है यहां पर, येलो मींस फोर, दो हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू, और टेन अपने आप लिख दो अपनी मर्जी से। फिर देखो थर्ड कलर कौन सा है, पर हमने पाया कि वो थर्ड कलर जो है वो रेड है, रेड कहां पर है, ये ला रेड टू, तो ये यहां आ गया, ठीक। और ये हो गया फर्स्ट कलर रिंग का फर्स्ट डिजिट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, टेन की पावर। फिर लिखते हैं यहां पर प्लस माइनस, फिर देखते हैं फोर्थ रिंग। इस फोर्थ रिंग की एक खास क्वालिटी होती है, ये जो फोर्थ रिंग होती है वो इसमें से एक भी कलर नहीं होता, वो जो फोर्थ होता है उसके दो फिक्स कलर है, फर्स्ट गोल्ड और सेकेंड सिल्वर, ये फिक्स है, आइदर गोल्ड और सिल्वर। मान लो गोल्ड है तो इसका मतलब होता है प्लस माइनस 5%, और यदि सिल्वर है तो इसका मतलब होता है प्लस माइनस 10%। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप ये उस, मान लो कि गोल्ड है तो ये इसकी वैल्यू आगे लिखना ओम। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है टॉलरेंस, मतलब इसकी जो वैल्यू एक्चुअली में कितनी है, 34 × 10^2 ओम है, और इसमें 5% का टॉलरेंस है, यानी कि ये 5% तक के एक्स्ट्रा वैल्यू को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, करंट को सहन कर सकता है, ये इसका मतलब है। ये 10%, यानी कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 5% है, इसकी एक्यूरेसी 10% है, एरर इसको बोलेंगे। और मान लो फोर्थ रिंग है ही नहीं, नाइदर गोल्ड और सिल्वर, ये भी पॉसिबल है, तब उसका मतलब होता है प्लस माइनस 20%, यानी कि इसमें 20% तक की एरर हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है, जिसमें गोल्डन रिंग हो उससे थोड़ा ठीक सिल्वर, और सबसे खराब कौन सा होता है जिसमें रिंग नहीं होती है। ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू। इसमें दो तरीके होते हैं बच्चों, या तो वो आपको कलर दे देंगे और वैल्यू पूछेंगे, या वैल्यू दे देंगे और आपसे कलर पूछेंगे। जैसे कि मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब देगा हार्दिक। यस सर। बताइए कौन कौन से रिंग है इसमें।
नहीं करता सर। वेरी गुड। आयुष यस सर। बताइए सर, रेड व्हाइट येलो सिल्वर। ओके ठीक है, देखते हैं। एन मेरी। यस सर। बताइए सर, रेड व्हाइट और रेड व्हाइट एंड सर सर रेड व्हाइट रेड व्हाइट येलो एंड सिल्वर। वेरी गुड। ओके, दोनों ने सही आंसर दिया। गुड, समझ में आ गया आपको। फर्स्ट रिंग फर्स्ट वैल्यू, सेकंड रिंग सेकंड वैल्यू, थर्ड रिंग 10 की पावर, फोर्थ रिंग टॉलरेंस, आइदर सिल्वर और गोल्ड और नथिंग। गोल्ड है 5%, सिल्वर है 10%, और दोनों में से एक भी नहीं है तो 20%। अब मेन बात यह है, समस्या यह है कि ये कैसे याद रखा जाए। इसको याद रखने का एक सिंपल फार्मूला है जो कई साल से चला आ रहा है, वो आप भी इसको याद कर लीजिएगा। ये देखो एक नाम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये अपने लगा दिया अपने, इसलिए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये इसका एक फार्मूला है, नहीं तो भूल जाओगे कि कौन सा काल कहाँ आएगा, क्योंकि मैंने तो तुरंत लिख दिया था, तो मुझे चूंकि पता है इसलिए मैंने लिख दिया था। तो उसके ऊपर आप नंबर दीजिएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसमें जो ऑफ और हैज है उसका मीनिंग नहीं, बाकी सबका मीनिंग है। फिर से बोल रहा हूं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। और इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि तीन बी आए हैं, तो पहला बी ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, थर्ड ब्लू है, पहला वाला ग्रीन है, सेकंड वाला ग्रे है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। ये समझ में आ गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, कोई भी एक माइक खोल के। यस सर। चलिए गुड, तो sir, इसमें कुछ लिखा नहीं है मुझको कुछ। हाँ बोलो 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 सर। ये बैच क्यों है सर, 5% वाला और 20% वाला बैच क्यों नहीं है? क्या बेटा? सर 5% वाला सर बेस्ट क्यों है? बेटा बेस्ट इसलिए है कि इसमें कम से कम एरर है, इसकी वैल्यू में बहुत कम अंतर आएगा। फ्लक्चुएशंस को बोलते हैं, फ्लक्चुएशन इसमें सबसे कम आता है, इसमें उससे ज्यादा आएगा और इसमें सबसे ज्यादा आएगा। अब मान लो कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, वैल्यू जो उसकी 20% बढ़ गई, और उसी समय मालूम पड़ा कि करंट भी ज्यादा आ गया, सर्किट ब्रेक, ये एरर कम से कम मानते हैं। दिस इज एक टीवी एलईडी जो है वो बदल रही है, सेम साइज है, तो एक और दूसरी कंपनी उसकी वो 50,000 की भी आ रही है, तो उसमें जो अंतर होता है वो इसी तरह के जो उनके अंदर जो पार्ट्स पड़े हुए हैं, हालांकि ये तो अभी छोटे से पार्ट्स है, लेकिन उनके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही टाइट होते हैं, उनकी एक्यूरेसी उनके अपने बोलते हैं कि मेड इन चाइना। मेड इन चाइना का मतलब क्या है कि उसमें वो जो भी उसके अंदर अंदर करते हैं पास डालते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो सब हल्की क्वालिटी के होते हैं, उन पर टेस्टिंग नहीं होती या टेस्टिंग बहुत कम होती है। लेकिन वही मोबाइल भी एप्पल का है, तो आपने बहुत कम सुना होगा कि किसी का एप्पल का मोबाइल आया और खराब हो गया।
एक आध लाख में से एक आध पीस खराब होता हुआ जिसे भी वो कंपनी तुरंत वापस करती है। लेकिन चाइना का वही मोबाइल जो जो लगभग उसमें जो फंक्शन है जो उसके अंदर की जो भी प्रोग्रामिंग है वो है, वो एप्पल के इक्वल होने के बावजूद भी, एप्पल के इक्वल होने के बावजूद भी वो सस्ता मिलता है। लेकिन एक ही बात है, कोई गारंटी नहीं है, खराब हो गया तो साइरम। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो उसके अंदर जो डाले जाने वाले जितने पार्ट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, तो जिसकी टॉलरेंस सबसे कम होनी चाहिए वो वाले सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये गोल्डन रिंग वाला जो है वो सबसे बेस्ट मानते हैं, ये थोड़ा उससे खराब मानते हैं, तो ये सबसे है। तो मान लो कि यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि एप्पल का मोबाइल बन रहा होगा तो उसमें ये लगेगा और चाइना वाले भी ये लगता है, चलते ये भी है, चलते ये भी है, और कभी कभी बहुत चलते हैं और नहीं चले पाए तो मालूम पड़ा कि वो तुरंत खराब हो गए। सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट। ओके, गॉट इट? यस सर। हाँ तो बोलते हो कंपनी में भाई। हाँ हाँ, आयुष तुमने सर या किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं बार बार चेंज, किसने पूछा था ये? मेरे उस पर आया था मोबाइल पे, उसका आंसर अभी आपको मैं नहीं दूंगा, उसका तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तभी दूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत कुछ आपको बताना पड़ेगा जो भी संभव नहीं है ना। जब हम ऐसे पढ़ेंगे तब हम उसका आंसर लेंगे। ये बड़ा ध्यान रखना कि यदि आपने अभी जो मैंने पढ़ाया है इतना यदि आपको याद रह गया तो मैं आपको बता दूंगा, आपकी जानकारी के लिए आपके एक नंबर पक्का हो गया, 12th में एक नंबर पक्का आएगा यदि आपने अभी इसको इतना पढ़ लिया है तो, बस क्योंकि एक क्वेश्चन वन मार्क्स का जरूर आता है, वन या कभी कभी टू मान लो, लेकिन जनरली वन पे ही आता है। ठीक है, ओके। नाउ द सेम क्वेश्चन हियर, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो डाली हेडिंग आज का कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर को जोड़ने के लिए, ठीक वैसा ही यहाँ भी होगा। यहाँ भी दो तीन तरीके के हैं, एक हम बोलते हैं पहला जो होता है वो उसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन, पढ़ा हुआ है आपका चाल दो हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है वो देखिए, यहाँ पर आपने लगाई है बैटरी भी, डेफिनेटली करंट आई यहाँ से पास होगा और यहाँ से वापस आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ये आर वन, ये आर टू और ये आर थ्री है। यहाँ पर देखेंगे आपके ये पाएंगे ये पॉइंट है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी और ये डी, ए बी सी डी। ओके, सो डेफिनेटली पोटेंशियल भी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला ये हो जाएगा वी वन और ये वी टू, ये वी थ्री।
ठीक है, यहां पर बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर इज नो पाथ, ओनली वन पाथ, दैट मीन्स करेंट आई इज पासिंग थ्रू द रेसिस्टर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट एट आर वन, एट आर टू एंड एट आर थ्री. So it is clear that from this diagram, V is equal to V1 plus V2 plus V3 is equal to V. This is first. Okay. According to Ohm's law, आप साथ में लिखते जाइए इसको. According to Ohm's law, V1 कितना हो जाएगा? V1 होगा IR1. फॉर्मूला है V is equal to IR. मगर in here it is V1. I is same, but this is different. So V1 is equal to IR1. V2 is equal to IR2. And V3 is equal to IR3. Substitute these value in above equation. So we have IR1 plus IR2 plus IR3, and we can take I common. So I is outside R1 plus R2 plus R3, equation number 2. बच्चों, सपोज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज कैपिटल आर. सपोज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर, देन अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू होता है आई आर, वेयर वी इज टोटल पोटेंशियल, I is total current and R is total resistance. So this is equation number. Comparing equations for second and third, जब आप इन दोनों को compare करेंगे, V यहाँ पर लग देंगे, तो I से I will cancel, so we get R is equal to R1 plus R2. Plus R3. That means if resistors are connected in series, so the total resistance of the combination will be sum of their individual resistances. मान लो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, जोड़ देंगे तो वो 15 इसका आंसर आ जाएगा. ध्यान देना बच्चों, कैपेसिटर में इसका उल्टा था, याद है? कैपेसिटर में ये वैल्यू आई थी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. नोट डाउन कल बता, यदि यहां तक कलो बड़ा बोल देना बच्चा. यस सर, डन सर. सर बोलो सर, बोर्ड में सर्किट्स सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कितने में आ सकते? बेटा पहले ये तो पढ़ ले, बता दूं, सब बताऊं, चिंता मत कर रहे. मैं एक एक चीज बताऊंगा, बड़ा कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब बताऊंगा. टाइम तो मिलेगी.
ओके. सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें ये होता है वन टू थ्री. ये आर वन आर टू आर थ्री ये जो भी आपने बैटरी को बैटरी क्या है जी देख सकते हो. यहां से जो करंट पास होगा वो आई होगा, लेकिन यहां आकर के देखो बच्चों इसकी तीन ब्रांचेस हो गई हैं. तो इन तीनों ब्रांच में जो करंट बढ़ जाएगा तो आई वन आई टू आई थ्री. बट इट इज कंफर्म द सम ऑफ आई वन आई टू एंड आई थ्री मस्ट बी इक्वल टू आई. ओके, ये फिर से यहां पहुंच के मिल जाएंगे और आपको आई करंट वापस मिल रहा है. Right here, because all three resistors is directly connected to the battery. Here, all three resistors is directly connected to the battery. That means across the end of first resistor, potential is V. Across the second resistor, again potential V, similarly three. So in this circuit, potential remains same and current will distributed in two, three, four, five, जो भी branches हों. इसको दिमाग में बैठा लो बेटा हमेशा के लिए, चाहे वो capacitor हो, चाहे वो ये हो resistor हो. अभी आगे एक और मिले हम बोलते हैं इंडक्टर बोलते हैं, वो कुछ भी हो यदि कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल रिमेन सेम एंड करंट विल बी डिफरेंट एंड सम ऑफ करंट विल बी इक्वल टू द मेन करंट. सिमिलरली इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट बट द टोटल पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द मेन वोल्टेज. So again here, it is clear that from this circuit, I is equal to कितना है I1 plus I2 plus I3 equation first. Now हमें नहीं पता बेटा कि I1 की वैल्यू कितनी है, हमें नहीं पता I2 की वैल्यू कितनी है, हमें ये भी नहीं पता कि I3 की वैल्यू कितनी है. क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट रेसिस्टर आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर वन. सिंपल फार्मूला है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. बट फॉर दैट केस आई वन करंट है, आर वन रेसिस्टर है, लेकिन पोटेंशियल सेम है वी. सो आई वन इज इक्वल टू वी आर वन. सिमिलरली आई टू इज इक्वल टू V upon R2 and third I3 is equal to V upon R3. I V upon R1. क्यों? वैसे यहां भी बनाना चाहिए था, लेकिन लेकिन हमारे केस में इन तीनों में जो पोटेंशियल है वो V ही है, चेंज नहीं हुआ है. सो I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2. And I3 is equal to V by R3. Again, same here. So we substitute the value of I1, I2, I3 in equation first. So we get I is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Take common V. So we have
वी कॉमन लिया तो 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3. As you know, we have total potential V, we have total current I. So let us consider again the total resistance of this combination is capital R. Maan liya, total resistance of this combination is capital R. So I is equal to V upon R. I is equal to V upon R. I total current, V total potential, R total resistance. Okay. इसको मानो, इसको equation two मान लेना और इसको third मान लीजिए. Again comparing equation second and third. तो जब आप I की value यहाँ रखेंगे तो V से V cancel हो जाएगा. So we get 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So it is clear that from this formula कि यहाँ पर जो resistance है वो कम हो जाता है and it is 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So there is two combination. First is series combination. Second is parallel combination. एक बात और ध्यान रखना. This is just opposite to capacitor. It is just opposite to capacitor. तो first combination हो गया series. दूसरा होता है parallel. और तीसरा अभी बनाने वाला हूँ. इसके बाद दो और होते हैं इसमें बेटा. एक तो हमने है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. मिक्स्ड में क्या होता है कि सम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एंड सम रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. उसे हम कहते हैं और कुछ जो है वो किसमें है वो है पैरेलल में. वो समझ में आ गया. दैट इज कॉल्ड मिक्स कॉम्बिनेशन. एंड लास्ट व्हिच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन या कॉम्प्लेक्स. इसमें क्या होता है कि कोई किसी के सीरीज में भी होता है, कोई किसी के पैरेलल में होता है. कुछ ऐसे भी होते हैं ना वो सीरीज में होते हैं ना वो पैरेलल में होते हैं. सॉरी, वो ना तो होते हैं सीरीज में और वो ना होते हैं पैरेलल में. अभी आप, मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के, तो आपके समझ में आएगा कि उन्हें वो सबसे टफ होते हैं. मिक्स में कोई दिक्कत नहीं है. क्या करेंगे आप, जहां सीरीज में है वहां सीरीज लगा देना, जहां पैरेलल में वहां पर हम लोग पैरेलल का यूज कर लेंगे. हमारे पास फार्मूले हैं. लेकिन मिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं कि ना तो वो सीरीज में है और ना वो पैरेलल में है. तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन. तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, मैंने आपसे कहा था वो इसको प्रूव करवाएगा. ठीक है, तो वो हम अभी थोड़ी देर से पढ़ते हैं. ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ठीक, 4 बजे फिर से मिलेंगे वापस, है ना. तब तक के साइड हम